बता सकती हो, शासन का हाथ बता सकती हो। स्वामी जी आहे को जाना कि पार्षद का हाल मैं नहीं कह सकता हूँ। हरम दादी अगर किसी को पुत्र जन्म लेता है चाहे पुत्री लेता है तो दर्द से कितने दोष हो जाता है, तो बच्चा होने का वक्त में बच्चा रोता है। क्या मुझे तुम्हारी दीदी आंख में पट्टी क्या स्वामी जी बोल मुखरा एक कोठी में और पैर छोड़ा है स्वामी जी मैं कुछ नहीं जानती कुछ आज मैं बच्ची साथ पति बढ़ा करके और पैर बांध करके चूहे में बैठ और कोठी में मुंह दिया था मेरी महारानी की तरह देखने को कहता हूँ स्वामी जी महारानी तुम्हें एक बार बताओ क्या क्या अभी तक किसी कानों से और आंखों से नहीं देखा हूँ सात पति बांध करके मेरी चूहे में और पैर बांध करके कुछ नहीं आज भी तुमने चूहे में देखा हूँ बताइए बताइए इसका हाल बताइए परसव का हाल तो हम लोग जानते हैं औरत लोग जानती है आप क्या जानिएगा परसव का हाल स्वामी जी हाँ इस समय इतना खून पीप चलते हैं अच्छा कि अगर छोटी बहन देख लेते उस खून को तो शायद लगता था लग रहा था कि उनकी मौत हो जाते स्वामी जी उनके आंखों में सात पेपर पट्टी बांध दी और उनके सर को कोठी में दे दी और पैर को चूल्हे में रुचि है हाँ। समझ गया है हदास के बारे में इसका जीवन भी चला कर सकता है इसलिए तुम इसको कोठी में भेज रहा है हाँ स्वामी जी ठीक है महारानी तुम तो हवेली तक चली जाओ ठीक है बाय महारानी ए हरे दादी तुम नहीं जाती हो कोठी में देने के बाद फिर भी बच्चा रोता है तो कौन भगवान ने खोला दिया है सुनने के लिए लेकिन तुम तो पुत्र को मुझे देखते है कि ईटा पत्थर लेकर के बैठी हुई हो तो पुत्र मुझे देने पुत्र के बिन मेरे लड़ाई तो मैं महारानी मैं अब क्या कहूँ हे पति देव कैसे समझाऊं कैसे बतलाऊं कि मैं पुत्र जन्म दिए या ईंट पत्थर महारानी हाँ पति परसों बोला तुझे लेकिन तुम नहीं बताएगा दूसरे बता सकती है Yeah.
फाटी हुई कपड़ा पहना करके सारा जी महारानी आप जाइए अंदर, आपके लिए गरम गरम चाय बना के रखी हूँ। ठीक है I'm not here.
भजन विनती सुनने नहीं आई हो, और यह राशाई पोशाक तुम्हारे शरीर में जो चमचमाती नजर आ रही है, उस राशाई पोशाक को उतारो और फटी पुरानी गंदी से गंदी साड़ियां तुम्हें हवेली से मिलेंगे, और वह साड़ी बांधकर इस हवेली से इतनी दूर चली जाओ कि मुझ जैसे सती की नजर तुम जैसे इनके नाम पर है। क्या बात, साइड ऑफ मंत्री जी, मैं तुम जानते हो कि अभी मैं गुस्से में हूं। हो बाबू, जब से रोनी माई नहीं चले तब से ठंडा दिमाग से रहे चले। आई लव की रोनी जो यहाँ से लो छे एक अलग से शरीर जो छे ना मिर्गी चढ़ी गलो छे। अब तुम्हें नहीं मारूंगे। क्यों नहीं मंत्री? जाओ इस कुत्ती कमीनी के लिए या डैन के लिए, या मेरी जो सौतन अपने राजमहल में पल रही है, इस सौतन के लिए गंदी सी गंदी साड़ियां लाओ। और सबसे पहले मां मंत्री, इन कुत्ती कमीनी को गंदी सी गंदी गालियां दो, जो ही चली होकर अपने प्राण दिया से। क्या बोला? एक रोज है कभी गिरते। तोरा का मतलब क्या होता है? तोरा का मतलब बताओ क्या होता है? इस कुत्ती हरमजादी का दोनों हाथ जो है ना कट कट के गिरेगा। हाँ जरूर, इस कुत्ती हरमजादी का दोनों हाथ कट के गिरेगा। अरे ये हर जगह आग जैसे है ना, इसको में पैर कटी कटी के गिरते तोरे कैसे के हर दिया तोरे कैसे गिरेगा। इधर और बता रहा इधर राजमहल से जाकर कोई फटी पुरानी कपड़ा लेते हो
इस दान के लिए और मेरी सौतन के लिए जल्द से जाओ। ठीक है, रानी माँ भी जाते हैं। ठीक है, आज मैं एक पोत्री के कारण कितने कष्ट कितने दुख झेला। बना के गिंदी करा रे बिगड़ा रे नसीब ऊपर वाला देखो इकल मुही को
इकलमुई को देखो कितनी सुंदर साड़ी इनके लबीस में पहने हुए थे। वाह क्या हार है ए मंत्री, ये हार भी खोलो। क्या हार है ए मंत्री, ये लो हार पकड़ो। ओह ये क्या है, आहा चले सब करो करने दो अपने पति भी। अब भी तुम्हारा लालसा मेरे स्वामी के ऊपर लगा हुआ है ना।